से जरा नाम का एक बहेलिया शिकारी गुजर रहा था, जो भगवान श्री कृष्ण के लाल चमकते करने को हिरण का मुख समझकर एक बार चला गया। जरा को जब पता चला कि वह हिरण नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो उसे अपने किए पर बहुत दुख होता है। भगवान श्री कृष्ण अपना मानव रूपी नश्वर देह त्याग देते हैं। जब यह बात पांडवों को ज्ञात हुई तो वह सभी द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार कर देते। उस अग्नि में भगवान श्री कृष्ण का देह तो जल जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता है। यह देखकर पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक बड़े से लकड़ी पर बांधकर समंदर में प्रवाहित कर देते हैं। लकड़ा बहते हुए उड़ीसा पुरी के तट पर जा पहुंचता है। उस समय उड़ीसा पुरी में इंद्रदिन नाम का एक राजा हुआ करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसकी राजधानी अवंतीपुर थी। एक रात श्री हरि विष्णु राजा इंद्रदिन के सपने में आकर दर्शन लेते हैं। श्री हरि विष्णु राजा इंद्रदिन से कहते हैं, तुम पुरी के समंदर तट पर जाओ, तुम्हें वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा, उसे लेकर तुम भव्य मूर्ति का निर्माण करवाए। राजा दूसरे ही सुबह पुरी के समुद्र तट पर पहुंच जाता है, जहां उन्हें एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा मिलता है, जिसके साथ एक कपड़े से बंधा हुआ हृदय मिलता है। राजा लकड़ी को लेकर अपने राजधानी चले जाते हैं। राजा अपने राज्य के सभी कुशल कारागिरों को बुलाकर भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं, परंतु कोई भी कारागिर वह लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाता है। भगवान विष्णु पुनः राजा इंद्रदुम्न के सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आप देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की आराधना कीजिए, वह आपकी इस कार्य में सहायता करेंगे। राजा भगवान विश्वकर्मा की आराधना करते हैं। श्री हरि विष्णु और राजा के आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में राजमहल में पहुंच जाते हैं। राजा ने बुजुर्ग शिल्पकार से पूछा, क्या आप लकड़ी से मूर्ति का निर्माण कर सकते हो? बुजुर्ग शिल्पकार ने कहा, हाँ मैं अवश्य लकड़ी से मूर्ति का निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। श्री हरि विष्णु की मूर्तियों में 21 दिन में एक बंद कमरे में बनाऊंगा। वह 21 दिनों में किसी ने भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की तो मैं वह मूर्तियों को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने बुजुर्ग शिल्पकार की सभी शर्तों का मान रखते हुए कहा, आप मूर्ति का निर्माण का काम जल्द से जल्द प्रारंभ करें। बुजुर्ग शिल्पकार के रूप में भगवान विश्वकर्मा राजा से आज्ञा लेकर कक्ष का द्वार बंद कर मूर्ति निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लग जाते हैं और कक्ष से चीनी हथौड़े और आलू की आवाज आती है। मूर्ति निर्माण कार्य के 15वें दिन राजा इंद्रदुम्न की पत्नी रानी मुंडेचा कक्ष के पास से गुजर रही होती है, तो उन्हें कक्ष से कोई आवाज सुनाई नहीं देती। इस बात से परेशान होकर रानी मुंडेचा राजा को सभी बातें बताती है। रानी राजा से आग्रह करती है, कहीं वह बुजुर्ग शिल्पकार भूख प्यास से मर तो नहीं गए, हमें कक्ष का द्वार खोलकर देखना चाहिए। रानी मुंडेचा के बार बार आग्रह करने के बाद राजा ने कक्ष के द्वार खोलने का आदेश दिया। द्वार खोलते ही भगवान विश्वकर्मा जी लकड़ी के साथ बंधे हृदय को मूर्ति के भीतर स्थापित कर कक्ष से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहां 3 अर्धनिर्मित मूर्तियां अपने पीछे छोड़ जाते हैं। राजा को अपने किए पर बहुत दुख होता है कि उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी के वचन का पालन नहीं किया। इसी कारण आज भी भगवान जगन्नाथ के आधे हाथ और आधे पाँव बने हैं। जब राजा अर्धनिर्मित मूर्ति की बात चाहते हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के हृदय की धड़कन की ध्वनि सुनाई देती है, जिससे उन्हें यह ज्ञात हो जाता है इस मूर्ति के अंदर श्री कृष्ण का हृदय गिरा है। राजा इंद्रदिन ने भगवान विष्णु की इच्छा मानकर जो आज भी भगवान जगन्नाथ नाम से प्रसिद्ध है। दर्शकों, आज भी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की अर्धनिर्मित मूर्तियां एक साथ स्थापित है, जो हर 12 वर्ष में बदली जाती है। जब मूर्तियों को बदला जाता है
सप्तम मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ यानी भगवान श्री कृष्ण के दिल को नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वह ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है जो कि जीवित अवस्था में ब्रह्म पदार्थ को देखने वाले की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते समय पुजारियों के आंखों और हाथों पर लाल कपड़ा बांध दिया जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदल जाता है तो उसे पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। प्रिय दर्शकों, प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकल जाती है। इसे देखने के लिए देश से ही नहीं तो दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। हे जे जगन्नाथ मंदिर आहे, हे जगन्नाथ मंदिरामध्ये भगवान श्रीकृष्ण, सुभद्रा आणि बलभद्र यांच्या मूर्त्या अधुऱ्या का आहेत हे तिथे दर्शन घेतल्यानंतरसुद्धा लोकांना समजत नाही, परंतु त्यांच्या पाठीमागचं ध्येय काय आहे आणि त्याची स्टोरी काय आहे ही लोकांना समजावी म्हणून आम्ही हे उभं केलेलं आहे, देखावा उभा केलेला आहे। आम्ही या इथे गेली 50 वर्ष, सर्व कार्यक्रम मुलांसाठी खेळणे वगैरे, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरे, पूजा वगैरे असतात, रक्तदान शिबिर होतात, सर्व कार्यक्रम आम्ही घेत असतो आणि यापासून मुलांना जी नवीन पिढी आहे त्यांना काहीतरी हे मिळावं, प्राधान्य मिळावं म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम करावं त्यांना आम्ही बनवलं। आणि अतिशय म्हणजे आम्हाला वाटलं पण नव्हतं एवढा प्रतिसाद आम्हाला त्यावेळेला मिळाला जनतेकडून, म्हणून आम्ही यावर्षी सुद्धा जगन्नाथ मंदिर बनवलं, यापुढे सुद्धा आम्ही असेच कार्यक्रम राबवत आहोत। नवीन नवीन घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आम्ही मुंबईकर 24 तास लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि अपडेट राहा।